राजस्थान में सीएम और डिप्टी सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ज्योतिरादित्य सिंधिया को गले लगाती नजर आईं। सोशल मीडिया पर शपथ ग्रहण से ज्यादा चर्चा बुआ वसुंधरा और भतीजे ज्योतिरादित्य की इस तस्वीर की हो रही है। एक ही परिवार के ये दो दिग्गज कैसे विरोधी पार्टियों के अगुवा बने और किस विवाद ने इनके बीच लकीरें खींच दी, आइए जानते हैं इस राजघराने से जुड़े चंद पहलू। ग्वालियर राजघराने की राजमाता विजयराजे सिंधिया की दो बेटियां वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे हैं, जबकि माधवराव सिंधिया उनके इकलौते बेटे थे। यह दौर 1970 का था, उस वक्त विजयराजे मध्य प्रदेश बीजेपी के साथ थी। धीरे धीरे संपत्ति और राजनीति से जुड़े मतभेद इस कदर बढ़े कि माँ विजयराजे और बेटे माधवराव ने अलग अलग पार्टी का दामन थाम लिया। माधवराव कांग्रेस में चले गए तो विजयराजे बीजेपी में ही रही। मनमुटाव इतना बढ़ा कि दोनों में बोलचाल तक बंद हो गई। विरोधियों ने माँ बेटे को एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में लाने की भी कोशिश की, जो सफल नहीं हो सकी। माधवराव के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महज 20 साल की उम्र में ही दोनों बुआ के खिलाफ मुकदमा दायर किया तो सिंधिया परिवार के बीच की विवाद की लकीरें खाई में तब्दील होने लगी। उस मामले में ज्योतिरादित्य ने खुद को सिंधिया परिवार की संपत्ति का इकलौता वारिस बताया था। हालांकि यह मुकदमा उस वक्त दायर हुआ था जब दादी विजय राजे सिंधिया और पिता माधवराव सिंधिया दोनों जीवित थे। साल 2001 में विजय राजे और माधवराव का निधन हो गया तो ज्योतिरादित्य ने कांग्रेस और वसुंधरा ने बीजेपी में राजनीतिक विरासत को संभाल लिया, लेकिन रिश्तों में तल्खियां अभी भी बरकरार रही। फिलहाल ज्योतिरादित्य मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चमकते सितारे हैं तो यशोधरा राजे प्रदेश बीजेपी की नेता हैं। वहीं वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी की कमान संभाल रही हैं। सिंधिया परिवार का संपत्ति विवाद 27 साल से कोर्ट में है और अदालत ने दोनों पक्षों को आपसी बातचीत से मामला सुलझाने की सलाह दी थी, जिसका असर अब दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों माधवराव की प्रतिमा के आवरण के दौरान यशोधरा राजे और ज्योतिरादित्य ने मंच साझा किया था। वहीं इस बार वसुंधरा राजे ने ज्योतिरादित्य को गले लगाकर संकेत दिया है कि सिंधिया परिवार के अंदरूनी रिश्तों पर जमी ये बर्फ अब पिघल रही है।